अरे पार्थ है। गुड मॉर्निंग वेरी सर। गुड मॉर्निंग। आप ये क्या कर रहे हो? आज मैं घड़ी में समय देखने की कोशिश कर अरे रहा था, लेकिन बच्चा, मुझे समय नहीं देखना आ रहा। अरे अभी तक समय देखना नहीं है अपना। चलो कोई बात नहीं, आज हम आपको समय के बारे में बताएंगे विस्तार से, क्या होता है समय। अच्छा मेरे को ये बताओ, तालीम जाने में कितना समय लगता है? बिल्कुल कम समय। बजा के दिखाओ ताली। कूदने में कितना टाइम लगता है? कूद के दिखाओ जरा, कूदने में उससे थोड़ा ज्यादा समय लगता कूद के है। दिखाओ थोड़ा। हाँ अरे एक गिन के दिखाओ। हाँ एक। इस प्रकार गिनने में आपको बहुत कम समय लगता है। क्या लगता है बच्चों? कम समय लगता है। इस कम समय को हम क्या कहते हैं? ये कम समय बहुत कम समय है। इस कम समय को एक सेकंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पार से एक सेकेंड। सेकंड कहते हैं, बहुत कम समय है ये। इसको क्या कहते हैं? एक एक सेकेंड। सेकंड। और इस जब हम 60 तक गिनती गिन लेते हैं, कितने तक, 60 तक। या 60 बार कूद लेते हैं, या 60 बार तालीम जा लेते हैं, तो उससे हमें ज्यादा समय लगेगा। तो 60, उसमें 60 सेकंड लग जाएंगे हमें, तो उस समय को हम 1 मिनट कहेंगे। चलिए हम घड़ी की सहायता से आपको बताते हैं कि मिनट और सेकंड क्या है। देखो ये हमारी घड़ी है, इस घड़ी में भी हमारे पास 3 सुई है। कौन कौन सी पार्ट? एक तो ये पतली एक सुई है, एक लगातार चलती रहती है सारा दिन। देखो कितनी जल्दी उसके जल्दी बाद चल रही एक है। थोड़ी मोटी सुई एक और एक ये, सबसे हाँ ये मोटी। छोटी सुई है, 3 सुई है ना, आप सबकी घड़ी में 3 सुई होंगी। तो ये जो सुई है, ये एक तालीम जाने के टाइम में आगे चलती, एक ही नहीं आगे सरकी, आगे सरकी, आगे सरकी, सरकती है ना बार बार, लगातार चल रही है हाँ ना, लगातार समय लगातार चलता रहता है, समय कभी रुकता नहीं है। चलो समय को मापते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, आप भी बने रहिएगा मेरे साथ और समय देखना आप सीख जाएंगे आज। चलो देखते हैं। देखो बच्चे 12 है, कितना है बार जी? ये 12 एक, ये दो, घड़ी की सुइयों में कितने घंटे हैं? 12 घंटे। 12 ये अंक हमें घंटों को दर्शाते हैं। किस चीज को दर्शाते हैं अंक? घंटों और ये पतली वाली सुई सेकेंड। सेकंड की, बहुत कम समय है ये लगातार चलती रहती है। देखो ध्यान से देखना, 12 से लेके 1 के बीच में कितने निशान लगे हुए हैं? तो पांच। यार ये सुई देखो, इस सुई को देखो, ये यहां से यहां तक आने में 5 बार चक्कर, 5 बार चलती है। फिर यहां से यहां तक आने में 5 बार चलती है, यहां से यहां आने में 5 बार चलती है। तो इस प्रकार ये जब पूरा चलती है चक्कर, एक काट लेती है, तो 60 बार चलती है। कितनी बार चलती है? 60 बार। तो ये आगे चली एक बार, ये 1 सेकंड का समय हो गया हमारा। जब ये 60 बार चलेगी, यानी कि 60 बार चलेगी, तो ये सुई फिर चलेगी। ये किस चीज की सुई है? मिनट इसको मिनट हैंड कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? हमें मिनट मिनट है। हैंड। इसको हमें एक और सिर्फ बताता हूँ मैं आपको, देखो मेरे पास ध्यान से देखो, ये जो नीले वाली आकृति दिखाई गई आपको, ये मिनट हैंड है। कैसी हैंड है ये? मिनट है। मिनट हैंड। इस मिनट, ये मिनट हमें क्या बताती है? ये मिनट बताती है, मिनट हैंड। मिनट क्या बताती है हमें? मिनट है। मिनट बताती है, मिनट हैंड हमें मिनट बताती है। जैसे देखो अभी ये मिनट हैंड कितने पर है? एक, पांच। एक पर है ना, एक। एक पर है ना बच्चा। अभी कितने पे आ गई है? दो। तो एक पर आने में कितनी चलती है? पांच पांच बार। चलती है, क्योंकि ये पांच छोटे छोटे निशान है। और फिर 1 से 2 तक आने में पांच, पांच। 2 से 3 आने में पांच। 3 से 4 आने में पांच। पांच। तो जब 4 पे आ गई, 5 यहाँ चली, 5 यहाँ चली, 5 यहाँ चली, 5 यहाँ चली, तो यहाँ पर कितनी चल गई? 20। 20 चल गई। तो ये हमें मिनट बताती है। तो कितने मिनट हो गए बच्चों? 20 20 मिनट। मिनट हो गए। अब कितने मिनट हो गए? 10। 10 मिनट। इसी प्रकार ये जो नीले वाली सुई है, हमें बड़ी सुई आएगी, इसमें देखो ये सुई है, ये हमें मिनट बताती है। क्या बताती है ये? मिनट। मिनट। अच्छा तो पहले मिनट बताती है मेरे को कितनी बढ़ गई। समय तो पता लग गया था आपको, मिनट वाली सुई पता लग गई होगी आपको। हाँ, अब बताओ इसमें कितने मिनट हो गए? हाँ 1:20। मिनट बताने हैं आपने। अब कितने मिनट हो गए भाई? 1:35। अब मिनट बताओ आप मेरे को सिर्फ। अब कितने मिनट हो गए भाई पार्थ? 10। 10 मिनट। क्योंकि मिनट की सुई तो हमें मिनट बताएगी केवल। अगर ये 2 पर आ गई तो कितनी मिनट होगी? 10। अगर ये 4 पर आएगी तो कितनी मिनट होगी? 20। अगर ये 6 पे आएगी, 30। ये देखो 6 पे आ गई तो 30। 30 मिनट, और अगर 7 पे आएगी तो कितनी मिनट होगी? 35। 35 मिनट। अब ध्यान से देखना, अब देखो ये कितने पे आ गई, अब 12। कितनी मिनट होगी भाई? 60। 0 मिनट। 0 मिनट है यहाँ पे। कितनी मिनट है यहाँ पे? यानी कि जीरो 3 बज गए पूरे। अब कैसे हुआ ये? अब मिनट की सुई तो हमें मिनट बता दिया, इसके बाद ये छोटी सुई भी है इसमें, ये क्या बताती है? ये हमें घंटे बताती है। क्या बताती है पार्थी? घंटे घंटे। अब ये घंटे वाली सुई कितने पर है? 3 3 पर। और मिनट वाली सुई तो 12 कितने बज गए? 3 3 बज गए पूरे। कितने बज गए?3 जब ये मिनट वाली सुई सब सरकेगी,
अब कितना टाइम हो गया? तीन बजकर पांच मिनट। देखिए मिनट वाले सुई सरक रही है लगातार, लेकिन घंटे वाले सुई ज्यादा नहीं सरक रही। ये देखो आप, मिनट वाले सुई अब कब कितने मिनट हो गए? तो घंटे वाली सुई आगे चलती है, यानी कि 60 मिनट का हमारा एक घंटा बनता है। क्या बनता है भाई पार्थ? 60 मिनट का एक घंटा, यानी कि 60 मिनट बराबर है एक घंटा। इस प्रकार से हम समय को मापते हैं, कम समय को सेकंड में, थोड़ी ज्यादा समय को मिनट में, और जब उससे भी ज्यादा समय होता है तो उसको घंटों में। फिर ज्यादा जब घंटों में क्या बनते हैं? दिन बनते हैं। दिन घंटों से दिन बनते हैं ना। हाँ। 24 घंटों से क्या बनता है? एक दिन। आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, है ना? हाँ। और दिनों से सप्ताह। इस प्रकार से हमारे पास हम माप सकते हैं समय को। चलो हम घड़ी की सुई के साथ कुछ और समय देखते हैं। आप समय बताओ मेरे को, ये मैंने घड़ी की सुइयां लगा दी हैं, अब इसे बताओ मैं पार्ट कितना समय हो गया? 2:55। वेरी गुड। ये तो आपको समय देखना आ गया, क्योंकि 3 तो बजे नहीं अभी, ये सुई 3 से थोड़ी कम है ना। अब ये सुई 11 पे आ गई, 11 का मतलब 55 मिनट, तो 2:55 मिनट। अब कितना समय हो गया भाई? अब बताओ। 7:45। हाँ, क्योंकि 8 तो बजे नहीं है अभी, घंटे वाली सुई देखना आपने, 8 से थोड़ा पहले है, तो 8 तो बजे नहीं है। ये मिनट वाली सुई मिनट बताती है कितने मिनट पर है? 45। तो कितना समय हो गया? 7:45 मिनट। अब आपको समय तो देखना आ गया होगा, परंतु इस घड़ी में दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और इस घड़ी में कितने हैं? 12। तो 12, ये कैसे हो गया भाई? अच्छा, सुबह के 6 और शाम के 6, इनमें क्या अंतर है? घड़ी में 2 बार 6 बजते हैं भाई पार्थ। कितने बार 6 बजते हैं? 2 बार। एक तो सुबह 6 बजे, एक साय 6 बजे। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सवेरे के समय बता रहे हैं कि शाम के बता रहे हैं? इसको भी हमारे पास तरीका है। क्या तरीका है? इसमें हम अपराहन और पूर्वाहन शब्दों का यूज करते हैं। अपराहन और पूर्वाहन। पूर्वाहन मतलब पहले, पहले किससे पहले? दोपहर पहले। हाँ, ये बिल्कुल सही, आप जानते हैं। दोपहर का मतलब 12 बजे से पहले का समय। जैसे देखो, ये देखो, सुबह 9 बजे, ये कौन सा समय है? इसमें क्या लिखेंगे? पूर्वाहन। पूर्वाहन लिखेंगे ना, इसको लिखेंगे 9 पूर्वाहन। क्या लिखेंगे इसको? पूर्वाहन। पूर्वाहन के लिए हम AM भी लगा सकते हैं, एंटी मेरिडियन AM का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि 9 AM। तो इसको समझ जाएंगे हम कि 9 बजे आप प्रातः की बात कर रहे हैं। और आप खाना कितने का खाते हैं? रात का खाना 8 बजे खाते हैं। तो कैसे लिखेंगे उसको? 8, क्या लिखेंगे? 8 अपराहन, यानी कि 8 बजे दोपहर बाद, यानी कि रात को 8 बजे। तो इस प्रकार से आपने समय को मापना है, और समय देखना आपको आ ही गया होगा। चलो एक और बताओ मेरे को, घड़ी की सुई करके दिखाओ आप। 3:04:30 करके दिखाओ, घड़ी उठाओ, 4:30 करके दिखाओ सर मेरे को, करके दिखाओ सर। अरे वेरी गुड, ये तो आप बिल्कुल, ये देखो छोटे वाली सुई 4 से आगे आ गई, और ये 30 पे आ गई, 6 पे आ गई, यानी कि 6 से 30, ये 4:30। आपको तो समय देखना आ गया। अब आप समय देखें और समय का पालन करें, अपनी एक समय सारणी बना लें, पढ़ने के लिए एक समय सारणी बना लें, और उसके अनुसार अपना पढ़ाई का काम करेंगे।